काम ही है वर्षा करना, चाहे हम उनका पूजन करें या ना करें। सोचा हमें बताना चाहिए, और माफ करें खैर पूजा की तो कुछ कहो ही मत। आजकल देख लो कहीं किसी की पूजा हो रही है, कहीं किसी की पूजा हो रही है। एक कारण है, हम सब लोग बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं। अगर किसी ने ये कह दिया कि वो देवता दे रहे हैं, समझ लो लाइन लग गई, लग गई लाइन। बड़े अंधविश्वास में पड़े सब लोग, जबकि पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, चतुर चालाक हैं, बहुत अंधविश्वास है। हाँ, सोचता हूं भगवान अब होने वाला क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहा हुए मेरे करतार और बन गयो खेलने का धोखा, मेरे करतार बन गयो खेलने का धोखा। इतने विश्वास में पड़े, कहीं किसी की पूजा हो रही है, कहीं किसी की पूजा हो रही है। कैसे अंधविश्वास में, एक लड़का था और वो गंगा नहाने गया, मुझे बताता रहा। बोले जब मैं गंगा नहाने के लिए गया, अकेला ही था, तो कपड़े अपड़े तो वहीं उतार के रख दिए। अच्छा, कपड़ों में पैसे थे तो मैंने कहा इसका क्या करें, तो वहीं थोड़ी सी जमीन खोदी, गड्ढा किया, उसी में पैसे रख दिए, ऊपर से थोड़ा बालू और ऊंची कर दी, और दो चार फूल भी रख दिए उस पे। फूल इसलिए रख दिए कि मालूम पड़ जाए हाँ हमने पैसे गाड़े हैं। अब वो ये कहे कि जब मैं नहा के आया, और हमने तो एक ही वो निशान बनाया था, दो चार फूल रखे थे, वहां तो 10-20 बने, अब मैं तो भूल गया, अब यही नहीं मालूम मैंने पैसे किस में रखे थे, समझ में नहीं आता। अब तो क्या कह जीवन का पाप को सौ सौ गारी, माता दी जब तक जिंदा है कोई मतलब ना, और जैसे ही मरे तो ही सवेरे सवेरे पानी पिलाओ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पानी मत पिलाओ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, जरा सोचना, जीवित पर हमने कभी पानी नहीं पिलाया, और मरने के बाद अगर पानी पिला रहे हो तो क्या ऐसे पानी पिलाने से कोई फायदा है? नहीं। अब तो पुत्रों का तो कहना ही क्या है, बेटों का क्या कहना है, इन्होंने तो माँ बाप में ही बंटवारा कर दिया है, और बड़े बड़े पैसों वालों का तो अलग ही हिसाब है। माता पिता बेचारे वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया, देखने तक नहीं जाते हैं, रो रहे बेचारे। हाँ, we'll be right back।
माओं का भी पता नहीं लगता है। एक घर में अगर देवी दुर्गा की पूजा हो रही, दूसरे घर में चुरैलियां पूजी जाती है। और समझ में तो एक बात आई, अक्सर करके देख लीजिए हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म की माताओं बहनों में, क्षमा करें हमारी जो माता बहनें बैठी हैं, ये न सोचे मन जिस बुराई करने लगा। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कितने अंधविश्वास में पड़े। हाँ, समझ में तो एक बात आई, अगर कोई चीज खाइबे की इच्छा है समझ लो पूजा शुरू, और भगवान की दुआ से बड़ी जल्दी सलूत हो जाते जाओ, स्वभाव बड़ी जल्दी सलाह हो जाता। एक बात शायद ध्यान में हुए कुछ दिन पहले, एक बात बड़ी तेजी से चली, साली अपने जीजा को बर्फी खबाबे के ले जाए, और चाला की भाई बात देखो कौन भी बात खत्म ना हो पाई। बाकी बाद में एक बात और चली गई, जाके एक लड़का हुए सवा दो किलो जलेबी खाए, मतलब बिना खाए भाई पूजा ना, और भगवान की दुआ से भाई पांच सात हो गई कछु दिन आगे। जब बात खत्म ना हो पाई, बाकी बाद में एक बात और चली गई, नानी देवतन को गरीब मिश्री खवाए के ले जाए, छोड़ो जतो ज्यादा दिन पहले की बातें हैं। अब एक कुछ दिन पहले एक बात और बड़ी तेजी से चल रही थी, शायद यहाँ लो ना आ पाई हो, माई मैनपुरी में तो खूब चल रही थी, वो जनका वो माई टिपन में कछ यूं चली जाओ वो, मतलब मैंने अपने आंखों से देखा, कथा कह के घर पर, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, घर पे जा रहे थे रास्ता में, गांव पड़ो, जैसे ही गांव निकले सब बड़ी भारी भीड़ लगी रहे रोड पर, और हमने जब भीड़ देखी सो गाड़ी रुकवाई, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कोई बात है का, सब लोग यहाँ कैसे इकट्ठे, बोले बात कचना पूजा हो रही, हमने कोई देव स्थान है नहीं फिर पूजा काहे की हो रही, बोली सड़क देवता की हो रही, अंदाजा लगाओ सड़क देवी है या देवता, और पूजा उजा तो कहूँ कचना बर्फी के ऐसे टिपन भरे धरे रहे, तुम्हें क्या बता। लेकिन अंधविश्वास में